ओशो महोत्सव में शामिल होने पहुंचे फिल्म निर्माता सुभाष घई। ओशो महोत्सव में शामिल होने जबलपुर आए प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक सुभाष घई ने प्रदेश सरकार से मांग की कि ओशो को याद रखने के लिए जबलपुर में विश्व स्तर का ध्यान केंद्र और ओशो के नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए, जिसमें ओशो के दर्शन शास्त्र की शिक्षा भी दी जा सके। ओशो को समझने और जानने के लिए जरूरी है कि इस तरह के प्रयास किए जाएं। सुभाष घई ने कहा कि भारत के ध्यान और दर्शन शास्त्र को पूरे विश्व में अलग पहचान मिली है और विश्व के अनेक देशों ने इसे अपने शिक्षा के विषय में शामिल भी किया है। हमें भी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा में ध्यान और दर्शन के शास्त्र को शामिल करना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे इस शास्त्र के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकें और जब वे बड़े हों तो उन्हें मानसिक तनाव से इस शास्त्र के माध्यम से निजात मिल सके। सुभाष घई ने कहा कि उन्होंने ओशो के जीवन प्रसंग से प्रेरणा लेकर कुछ हिस्से अपनी फिल्मों में शामिल किए हैं, लेकिन ओशो विषय इतना विस्तृत है कि उन पर फिल्म बनाना फिलहाल संभव ही नहीं है। जबलपुर से प्रेरित सिंह के साथ निखिल साहू की रिपोर्ट। इसीलिए जो दार्शनिक की बात करते हैं कि बेसिकली उसकी जो शिक्षा शुरू हो वो एक दार्शनिक रूप से हो, एक आध्यात्मिक रूप से शुरू हो, फिर वो यंत्र जंत्र तंत्र जो है जो सीखने हैं, जीवन के ट्रिक्स सीखने हैं, वो पांचवीं क्लास छठी क्लास के बाद शुरू करें। पहले तीन चार क्लासों में तो उसका ऐसा होना चाहिए कि ये जीवन है और इस तरह से सब चीजें मुझे स्वीकार करनी है। आध्यात्मिकता बचपन से शुरू होती है। आप लोग क्या समझते हैं कि जो बाल सफेद हो जाएं वो आध्यात्मिक हो गए? बुढ़ापे वाले बुढ़ापे के लिए नहीं है, ये बचपन के लिए है। जब आपका आत्मा बिल्कुल साफ है, प्योरिटी है, गॉड है, ईश्वर है, उसमें उसकी समझ कैसे बढ़ती है। जो प्राइमरी स्कूल है या स्कूल है उसकी जो शिक्षा के अंदर वो आध्यात्मिक आना चाहिए। इसलिए मैं हर सरकार से, हर इंस्टीट्यूशन से मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अगर आप आने वाली जनरेशन की चिंता करते हैं तो सबसे पहले आप स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट खोलिए, स्पिरिचुअल कोर्सेज बनाइए, उनके करिकुलम बनाइए, वो स्कूल में कॉलेज में दीजिए, ताकि पहले व्यक्ति निर्माण कीजिए, बाद में ये सड़क का निर्माण कीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं आज जबलपुर आया हूं और मैं मध्य प्रदेश सरकार से भी ये विनती करने आया हूं कि जबलपुर जगह एक ऐसी है जहां आप एक बहुत बड़ा ओशो रिसर्च सेंटर खोल सकते हैं, जहां एक ओशो इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, जहां ओशो का एक अपना आश्रम खोल सकते हैं, जहां मेडिटेशन की पावर बता सकते हैं कि मेडिटेशन में के बाद एक आदमी का माइंड कितना रिलैक्स और कितना पावरफुल हो सकता है, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, कोई भी हो, सिर्फ आपकी बुद्धि का जो IOS है, जो आपका कंप्यूटर का जहां से चलता है, वो तेज करने के लिए मेडिटेशन चाहिए। मेडिटेशन का मतलब जबलपुर की खासकर प्लीज, आप ये नहीं कि सुभाष घई का इंटरव्यू लिया तो आपने चले गए, आप इसको एकदम सीरियल में लिखे, हर महीने लिखे। मेहता ओशो यूनिवर्सिटी, वो तो गया, उसने क्या कमाना है और क्या बचे हैं उसको? ओशो यूनिवर्सिटी शुड बी देयर, ओशो इंस्टीट्यूशन शुड बी देयर एंड जबलपुर शुड बी ए टूरिस्ट प्लेस फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप देखिए पूरा दुनिया इस जबलपुर में आएगी अगर आपने एक अच्छा सा खूबसूरत फिर से तक्षशिला यूनिवर्सिटी बना दी, फिर से आपने वो यूनिवर्सिटी बनाई जिसमें आध्यात्मिक, मेडिटेशन, व्यक्ति निर्माण की बातें होती हैं, जिसमें कलात्मक बातें होती हैं।